भाई देखना कैसे भैंस को चढ़ा रहे हैं लोग। हाँ सिस्टम भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं पर भैंस नहीं चढ़ रही इनसे। भाई दो ही तो चढ़ेंगे इसमें ट्रांसपोर्ट में यार, तीन तीन चढ़ा रहे हैं, छोटा सा वो है स्पेस यार, तीन क्या चढ़ जाएंगे। देखना व्यवस्थित चढ़ा रहे हैं, इतनी व्यवस्थित कर रहे हैं भाई। पर भाई भैंस भी चढ़ने को तैयार नहीं हो रही, नो कह रही है ऐसी जाऊंगी, खड़ी नहीं हुई अभी, बैठी पड़ी उसमें। मतलब क्या जबरदस्ती है भाई, भाई छोटा सा ट्रांसपोर्ट है ठीक है, उसमें दो जानवर जा सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो दो जानवर जा सकते हैं कुछ भी ले जाना चाह रहे हो तो आप ठीक है भाई ले जा रहे हो, पर जबरदस्ती तीन चढ़ा रहे हो तो उसमें क्या मतलब है भाई, मतलब क्या है उसमें तीन चढ़ाने का। तो चलो भाई चढ़ा रहे हैं तो क्या चढ़ा लो भाई, मैं ही क्या बोल सकता हूँ भाई, मैं इनको बोलूँगा तो ये मेरे से लड़ेंगे, अब मैं इनसे लड़ूंगा तो भाई इनसे मेरी लड़ाई थमने ही नहीं फिर भाई, क्योंकि हम तो तखड़ा करके लड़ाएं जिससे भी लड़ें, और मैं इनसे लड़ूंगा तो पापा हम इससे लड़ेंगे आगे फिर, तो भाई क्या ही बोल सकते हैं भाई। जो भी है भाई ले जाना चाह रहे हो तो भाई आराम से ले जाओ यार, दो ले जाओ एक बार फिर आ जाना यार, एक फिर ले जाना वापस से, और चार है तो भाई दो दो करके ले जाओ, और भाई तीन है तो दो कर एक बार ले जाओ, एक एक बार ले जाओ भाई, एक बार एक बार ले जाओ, दो एक बार ले जाओ, बात है पर लेकर आराम से जाओ, क्या बोलें यार बस क्या ही बोलें। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसे भी ले जा रहे हैं। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज अभी फ़िलहाल तो सो के उठ गए हैं, और मौसम देख लो कितना बढ़िया हो रहा है, आज सारी रात बारिश पड़ी है, सारी रात मतलब पूरी रात, रात 10 बजे से शुरू हो गई थी, सुबह 4 बजे रुकी है। तो भाई हम बड़े बड़े लोगों के साथ जा रहे हैं मुरादाबाद, आज ठंड बड़ी लग रही है, क्या बात है ये देखिए बदमाश आ जाते, ठंड लग रही है। खैर भैया हाफ टी शर्ट में है, और तुम्हारा भाई ने जर्सी पहन रखी, जर्सी पहन रखी, अरे एसी चला ली भाई, गर्मी लग रही, गर्मी लग रही तो इसे निकालते क्यों ना, अभी निकाल देंगे इसे। भाई मुझे ऐसा पता नहीं था, मैं रूम में तो तैयार होकर ना सीधा इनके साथ बैठ के आया, तो रूम में तो ठंड लग रही थी तो मैंने जर्सी पहन ली, अब मैंने बाहर आकर देखा तो बढ़िया वाली गर्मी हो रही है। किसके साथ डेट पे जा रहा है तू आज? भाई डेट ही लेट रहे हैं हमारी, तो रोज डेट है, बस आज हमने सोची ब्लॉग बना ले। किसके किस किस का नाम ले मैं यार, तू फालतू ऐसे नाम, भाई नाम से बहुत नफरत है तुम्हारे भाई को, ऐसी चीज़ों से तो नफरत है ही, नाम से बहुत बड़ी नफरत है। देख लो अभी तो फिलहाल तो भाई चल रहे हैं, बस इधर से निकल जाएंगे। गाड़ी में घुसा दे जाओ इसे, ये है इंडिया, चलो ये तो हेल्प कर रहा है भाई, अच्छी बात है। चलते हैं अभी, आधे रास्ते आ गए हम, आधे रह गए हैं, चल रहे हैं इधर बदमाश इधर हम। लो भाई तुम्हारे भाई ने ले ली दवाई, अभी चल रहे हैं पैदल, ये छोटे भैया गए हैं अपने काम से तो मैं आ गया था पैदल पैदल, बाकी हालत पूरी डाउन हो गई है, बस आने वाले हैं छोटू भैया, अभी कॉल आ गई है तो मैं भी आने वाला हूँ भाई, मुझे टाइम काटना है तो मैं पैदल पैदल आ गया। तो मैं ये बोल रहा था कि भाई कम से कम 3 किलोमीटर में पैदल चल के आ गया, क्योंकि मुझे टाइम काटना था तो 3 किलोमीटर में पैदल चल के आ गया, और अभी आने वाले हैं छोटू भैया, हाँ मिलेंगे, आ गए आ गई है कॉल, वो निकल गए वहाँ से जहाँ से गए थे काम करने, तो वो भी निकल गए, मैं भी आ गया। तो भाई बात है ऐसा कुछ हालत हो गई है डाउन पूरी भाई, कहानी कर जा बताएगी भाई, आ गया घर, ये भाई ये सिस्टम भाई, हम गए थे फेस की दवाई लेने के लिए, सब बात ब्रेक डाउन की, फिर क्या होगा मिस्सा कि ऐसा करते थे नु कर दिया भाई, कितने गड्ढे हैं जिंदगी में हमारी, गड्ढे गड्ढे हैं, और वही रोड सही ऐसा चला कौन सी भाई, देख लो चलाई देख लो, बदतमीजी की तो मतलब बदतमीजी की तो हद है इंसान से, क्या बोलूँ बस। तो हम गए थे दवाई लेने के लिए, फेस पे पिंपल जो हो रहे हैं उसके और थोड़े से दाने हो रहे हैं भाई, दवाई रखी है यहाँ पर, और हमारे साथ गई थी छोटू की बुआ जी, बुआ जी गई थी छोटू की, तो हम सब तीनों गए थे, तो मैं अपनी दवाई लेने के लिए चला गया था, ये दोनों अपनी दवाई लेने के लिए चले गए थे, इनकी नहीं मतलब बुआ जी की। अब तो वापस आ गए हम घर, रास्ते में पकौड़ी खा ली, मैं तो छोले कुलचे यार वो खा गया था, छोले कुलचे और क्या था दाल
दाल खा गया था तो छोटे से चिढ़ रहे थे भाई बहुत, तो इन्होंने पकौड़ी खाई तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली। फिर लो भाई मुरादाबाद के बाद सीधा खेत में, मतलब घर के बाद सीधा खेत में, मतलब घर से आए भाई सीधा खेत में। तो भाई मुरादाबाद में आज ऐसा ऐसा हुआ, हम गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोला खोलो जल्दी। मैं क्या खोले भाई, मैं डॉक्टर साहब नीचे नहीं हो रहे ऊपर हो रहे हैं भाई पिंपल्स। तो मतलब भाई पता नहीं कौन सा था डायग्नोलॉजिस्ट, पता ना भाई क्या रहा है, मुझे तो पता ना भाई, इतना पढ़े लिखे होते तो ऐसे फिरते हैं खेतों में। तो डॉक्टर साहब बोले मैं खोलो, मैं गया एकदम रूम खोलते ही तो वो बोलते जल्दी खोलो जल्दी खोलो जल्दी खोलो। मैं क्या खोलो जल्दी बेड खोलो नीचे दिखाओ नीचे, मैं नीचे कुछ नहीं है, मुँह पर पिंपल्स हो रहे हैं, एक हाथ पे हो रहा है, मैं यही है बस और कुछ नहीं है। उन्होंने एकदम एकदम पर्चे पर लिखा जाओ 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 जाओ। मैं भाई ठीक है जा रहे हैं भाई, इतना फास्ट डॉक्टर मैंने कभी नहीं देखा, मतलब और सब फास्ट मैं देखता हूँ भाई, मतलब दो या तीन साल में जाता हूँ ना तो भाई अगला ही लेवल। और एक केस मिला हमें सबसे शुरू में जाते हुए भाई, मोटरसाइकिल में अड़ाने के लिए तैयार सीधा, बहुत तेज था, बच गया वो भी आज। और हमने एक और देखा भाई, दो लड़के आ रही थी स्कूटी से और उनके सामने टेम्पो आ गया, तो उन्होंने बड़ी तेज कट मारा था, मतलब बच गई भाई, फुकर है बस कि वो बच गई। चलो